है, हम हर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज फिर 3 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। फिर जो ये माननीय मुख्यमंत्री जो हैं श्री नीतीश कुमार जी, जो कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं और न किसी को हम बचाते हैं, फिर एक आज हम ऑडियो वायरल करेंगे। मैंने पिछले बार ही कहा था कि मैं एक ऑडियो फिर वायरल करूंगा, और ये ऑडियो है जो अभी सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बने हुए हैं, उनको इनाम मिला था, माननीय मुख्यमंत्री जी इनाम दिए थे उनको, विधायक जी को गलत सलत करके जो चुनाव में हराए उसी का इनाम में उनको मंत्री बनाया गया था, उनका हम आज ऑडियो वायरल करेंगे। पहली बात, कुछ बात हम आपको बता देना चाहते हैं, मेरे क्षेत्र की भी कुछ समस्या है, कुछ लोग गरीब लोग आए हैं सब, जो उनके बारे में भी हम बताएंगे क्या समस्या आए हुए है, अभी इनके राज में क्या चल रहा है, सो आप लोग भी डेली देख ही रहे हैं कि इनके राज में अभी जो है सो कि रोज बलात्कार, रोज हत्या हो रहा है, और कोई आवाज उठा रहा है तो उसको लाठियों से मार के उसको चुप कराया जा रहा है। मगर ये युवा का आंदोलन है, ये इसमें अब युवा लोग कूद गए हैं, तो युवा लोग किसी लाठी और डंटा से नहीं डरते हैं नीतीश जी, इतना आप जान जाइए, समझ गए ना, इतना आप पहचान जाइए। अभी एक मेरा क्षेत्र का जो समस्या आया हुआ है, मेरे माननीय विधायक जी को इन लोगों ने गलत सलत करके फंसा के जबरदस्ती जो जेल में डालने का काम किया है, आज हमारे क्षेत्र में ये विकट परिस्थिति है कि सारा गरीब गुरबा परेशान है, किसी से घर में पैसा लिया जा रहा है, किसी से इंदिरा आवास में पैसा लिया जा रहा है, किसी से जो है सो कि जबरदस्ती करके जो बीडीओ और पंचायत सचिव ये सब जो होता है मुखिया, जो ये नीरज कुमार भौमो सिंह है, ये लोग दबाव देके पूरा लूट खसोट किए हुए हैं। दो मिनट का एक बात हम अपने क्षेत्र के समस्या के बारे में बता देते हैं कि मेरे क्षेत्र एक मोर पश्चिमी है, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में एक राजेंद्र महतो मुखिया थे, जिनका चुनाव के समय देहांत हो गया था, जो एमपी का चुनाव हो रहा था उस समय देहांत हो गया था, तो पंचायती राज का जो एक्ट है उसके तहत जो उप मुखिया सत्येंद्र सिंह उर्फ मोहन सिंह है उनको प्रभार दिया गया, मगर जो बार सदस्य लोग होते हैं उन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, और अविश्वास प्रस्ताव ला करके जो उनको गिरा दिया गया। इसमें फिर चुनाव होने की प्रक्रिया होती है जो कि बीडीओ के हाथ में होता है, 15 दिन के अंदर चुनाव कराना, मगर बीडीओ और पंचायत सचिव उप मुखिया जो इतना घोटाला मेरे क्षेत्र में किए हुए है, मेरे विधायक जी के नहीं रहने के कारण मेरे गरीब गुरबा लोग को परेशान किए हुए है, घोटाला को दबाने के लिए वो लोग जबरदस्ती कर के जो इन लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए थे उसको घोर मट्ठा करके जो जिला निर्वाचन कहा था कि ये जो मेरे अभी 12 सदस्य 7 वो यहां पर आए हुए हैं, इन लोगों को कहा कि आप लोग के साथ घोर अन्याय हुआ है, और इन्होंने कहा कि ये बहुत ऊपर से दबाव दिया जा रहा है इसको ऐसा गलत सलत करने का। अभी हम 15 मिनट पहले बार एसडीओ साहब से बात किए, एसडीओ साहब ने हमको बोला कि आप निश्चिंत रहिए, इसमें जो सही होगा आप लोग आदमी को भेज दीजिए, जो सही होगा इसको इसमें किया जाएगा। ये बात तो हो गई। इसमें ये लोग जो हैं 12 सदस्य लोग ये सब पटना हाईकोर्ट भी चले गए हैं, जो कि केस फाइल भी हो गया, अब ये लोग आएंगे तो पता, देखिए कितना बड़ा जो है सो कि ये सब अफसरशाही किए हुए है, और सांसद हैं ललन सिंह, MLC मंत्री बना हुआ है नीरज, सारा मेरा मोकामा विधानसभा में लूट खसोट किए हुए है। नीतीश जी आपको क्या हो गया है, आप क्यों नहीं देख रहे हैं, आपका आंख में क्या हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है, आप देखिए ये सब पता कीजिए, आपको उझरा के रखे हुए है ये लोग, 2-4 लोग हैं आपको गतल खाता में एक दिन मिला के ये लोग रहेंगे। आज हम जो ऑडियो वायरल करने जा रहे हैं।